सलाम अलैकुम। बच्चे चुप कर जाएं, खुदा के लिए चुप कर जाएं। बात मुकम्मल करके आप लोग चुप करते हैं वैसे। अच्छा एक सहाबी को अल्लाह के नबी ने कहा बैठ जाएं, उन्होंने ये भी नहीं देखा नीचे क्या पड़ा हुआ, जूते पड़े थे वहीं बैठ गए। तो इसलिए एक सेकंड में बात मानने का जज्बा पैदा करें घर में भी। अच्छा ये सेक्शन 28 निकालें, सेक्शन 28। इसमें मुझे बताएं कि अगर कोई असर आपने लीज पे लिया हो तो उसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं या उसका रेंट माइनस करते हैं? रेंट माइनस करते हैं। ये बड़ी तफसील से बात हुई हुई है। अगर हम लेसी हैं और कोई असर किस पे लिया हुआ है, लीज पे लिया हुआ है, तो उसका रेंट माइनस करेंगे। अ रिडक्शन शैल बी अलाउड, पेज नंबर 147। अ रिडक्शन शैल बी अलाउड, ऊपर देखें, रिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर अ टैक्सी फॉर रेंट पेड बाय अ पर्सन टू अ बैंक। एक पर्सन जो बैंक को रेंट पे करेगा वो माइनस करने की इजाजत है। तो बताइए अगर हमने एक एसेट लीज पे लिया हुआ है तो उसका क्या माइनस करने की इजाजत है? रेंट माइनस करने की इजाजत है। अच्छा एक बात यहां पे करने लगा हूं, ये बात इसकी लॉजिक शायद मैं कल बताऊं, लेकिन मैं 100% श्योर हूं कि इसकी लॉजिक जानना आपके सिलेबस में नहीं है और जान के टाइम जाया करेंगे। और आज के दिन ऑनलाइन वालों में से किसी ने इसके बारे में सवाल नहीं पूछना, क्योंकि इसकी लॉजिक कल मैंने शेयर करनी है। अभी एक छोटी सी बात सुन लें, न्यूमेरिकल में लीज वाले असर को कैसे डील करना है। असल में ना लीज की अकाउंटिंग सिर्फ कैफ 5 में पढ़ाई जाती है, तो इसलिए लीज की अकाउंटिंग पता नहीं होती। तो जब लीज की अकाउंटिंग पता नहीं है तो कोई बात बताई जाती है तो फिर सोच में भी आती है यार ऐसे नहीं ऐसे क्यों, मेरे ख्याल से तो ऐसे होना चाहिए। तो सारे ख्याल को साइड पर फेंकें, अकाउंटिंग वाले और टैक्स वालों में आपको पता है डिफरेंट जगहों पर इख्तलाफ होते हैं, पता नहीं क्या देखी जा रहे हैं। अकाउंटिंग वालों और टैक्स वालों में डिफरेंट जगहों पर इख्तलाफत है। अकाउंटिंग वाले कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करो, टैक्स वाले कहते हैं नहीं, बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15%। अकाउंटिंग वाले कहते हैं 25,000 है बैड डेट रिकवरी, टैक्स वाले कहते हैं नहीं, फॉर्मूला लगाओ, अमाउंट रिकवर्ड लेस प्रीवियसली लेस एक्चुअल बैड डेट लेस प्रीवियसली लॉडेड डिडक्शन, फिर निकालो। अकाउंटिंग वाले कहते हैं पेनल्टी माइनस करने की इजाजत है हुकूमत को, टैक्स वाले कहते हैं नहीं माइनस करने की इजाजत। तो अकाउंटिंग और टैक्स वालों में बारह जगह इख्तलाफत है। एक इख्तलाफ अकाउंटिंग और टैक्स वालों में यह भी है कि अकाउंटिंग और टैक्स वाले लीज एसेट को डिफरेंट तरीके से देखते हैं। अकाउंटिंग वाले जब आप कैफ 5 पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा, अकाउंटिंग वाले ना लीज एसेट को समझते हैं ये खरीद लिया है, तो अकाउंटिंग वाले उसको डिप्रिशिएट करते हैं। और जो किराया दे रहे होते हैं ना वो अकाउंटिंग वाले कहते हैं असल में किस्तें हैं और किस्तों पर आप इंटरेस्ट साथ पे कर रहे हो। तो अकाउंटिंग वाले लीज एसेट को, अब ये बात अकाउंटिंग की क्लास में 2 दिन में समझाई जाती है, इधर कैसे 2 मिनट में समझाई जाए। अकाउंटिंग वाले लीज एसेट पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं और इंटरेस्ट रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन टैक्स वाले कहते हैं नहीं 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 नहीं, डेप्रिसिएशन की जगह क्या माइनस कर लो, रेंटल पेड। तो पेज 147, मैं पूरी बात नहीं पढ़ा रहा, टाइम मिला तो कल पढ़ा दूंगा। अकाउंटिंग वाले कहते हैं अकाउंटेंट्स रिकॉर्ड 2 एक्सपेंसेस इन केस ऑफ लीज एसेट, एक डेप्रिसिएशन, ये अकाउंटिंग वालों का डेप्रिसिएशन है। ये ऐसे कौन सा है, जो गाड़ी या जो मशीन या जो प्लांट आपने कहां से लिया हुआ है लीज पे, बैंक से लीज पे लिया हुआ है। तो अकाउंटिंग वालों के डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट माइनस करने की इजाजत है एज पर अकाउंटिंग रूल्स। टैक्स वाले कहते हैं ना 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 ना, टैक्स अथॉरिटीज ओनली अलाउ रेंटल पेड। टैक्स वाले सिर्फ क्या माइनस करने जाते हैं, और अकाउंटिंग वाले अकाउंटिंग और डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट। तो अकाउंटिंग वाले डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट रिकॉर्ड करते हैं, उधर हो जाए थोड़ा सा लास्ट में, अकाउंटिंग वाले डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट रिकॉर्ड करते हैं, इसकी बिल मुकाबिल टैक्स वाले कहते हैं ना 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 ना, क्या माइनस करो, लीज रेंटल। अच्छा ये तो ना लीज एसेट की बात है, मैं वैसे आपसे पूछने लगा हूँ ओन्ड एसेट का क्या रूल है न्यूमेरिकल में। ओन्ड एसेट में आपको पता है ऐड कर देते हैं हम अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन और लेस कर देते हैं टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन, इधर क्या होगा, इधर न्यूमेरिकल में देखें क्या होगा। इधर न्यूमेरिकल में जो अकाउंटिंग वालों ने किया हुआ है वो उलटाएंगे और जो टैक्स वाले चाह रहे हैं वो रिकॉर्ड करेंगे। तो ये मैंने क्या उल्टा दिया है, अकाउंटिंग वालों के डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट है, मैं आपको न्यूमेरिकल का फॉर्मेट बता रहा हूं, और मैं क्या रिकॉर्ड कर दिया है, रेंटल। बस इससे ज्यादा वैसे अगर बहस करें कल 5 मिनट लगा लेंगे और टाइम जाया कर लेंगे, बस मेरे ख्याल से तो ये रटा प्रोग्राम ही है क्योंकि आपने कैफ 5 नहीं पढ़ा हुआ। तो लीज वाले एसेट के बारे में जो लेट आए हैं हजरात, जरा चेहरा शरीफ ऊपर रखें, लीज वाले एसेट के बारे में अकाउंटिंग वाले क्या कहते हैं, अकाउंटिंग वाले ये कहते हैं कि ये आपका एसेट है, इसको डिप्रिशिएट करो, और अगर आप इसके पैसे ऐसे ऐसे दे रहे हो तो लेट पेमेंट पर इंटरेस्ट दो। तो अकाउंटिंग वाले लीज एसेट को डिप्रिशिएट भी करते हैं और इस पर इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन टैक्स वाले क्या कहते हैं, टैक्स वाले कहते हैं जो आप बैंक को किराया पे कर रहे हो बस वो किराया ही है, तो किराए को किराए के तौर पे क्या कर लो,
माइनस कर लो, क्लियर। तो ये एक एडजस्टमेंट थी जो ऑब्वियसली कल न्यूमेरिकल में जिसने आपको टफ टाइम दिया होगा, अगर आपको अपने आप को टफ टाइम देने का टाइम मिला होगा न्यूमेरिकल करने के लिए। आ जाए जी पेज 196 पे, सिकंदर खान है, ठीक है जी, सिकंदर कौन है, खान है, पेज नंबर 196। ज्यादा पंगा नहीं करना, इज इन्वॉल्व इन सेलिंग इलेक्ट्रिक गुड्स, उसका न्यूमेरिकल आपने गलत सॉल्व कर दिया ना, बंदे लेके आ जाना उसने अकेले। लाइक डिटेल्स ऑफ इनकम फॉर टैक्स 2024 आर एस फॉलोज, रेवेन्यूज, कॉस्ट ऑफ सेल्स, सैलरीज, डेप्रिसिएशन ऑन ओन्ड एसेट्स, तरतीब से चलो ना, डेप्रिसिएशन ऑन ओन्ड एसेट्स। ओन्ड एसेट्स कौन से होते हैं, जो खरीदे हुए हैं या जो बैंक से किराए पे लिए हुए हैं। अच्छा, इसकी जगह क्या माइनस करने की जरूरत होगी, वैसे ही आपसे पूछ रहा हूँ, टैक्स वालों के डिविडेंड माइनस करने की जरूरत होगी या इनिशियल लोन्स माइनस करने की जरूरत होगी। डेप्रिसिएशन ऑन इंटरेस्ट ऑन लीज्ड एसेट्स, इन दोनों को उल्टा देंगे। अभी मुझे सैलरीज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता, नीचे जाके इन्फॉर्मेशन दियो। अभी तो मैं ऑन द फेस ऑफ न्यूमेरिकल जरा नजर मार रहा हूँ। डेप्रिसिएशन क्यों उल्टाएंगे ओन्ड एसेट की, इसकी जगह टैक्स वालों के डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। लेकिन फिलहाल कौन सी डेप्रिसिएशन माइनस हुई हुई है, इसकी जगह कौन सी डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, फिलहाल क्या माइनस हुआ है, इंटरेस्ट। इन दोनों की जगह ये जो लीज्ड एसेट, इसकी जगह तो हम माइनस करेंगे ना, इसकी जगह टैक्स वालों के डेप्रिसिएशन, लेकिन इन दोनों की जगह हम माइनस करेंगे रेंटल। इन दोनों को रिवर्स कर देंगे, इनकी जगह क्या माइनस कर देंगे, रेंटल। लॉस ऑन बिल्डिंग है, अच्छा ये जरूरी नहीं कि, ये तो अकाउंटिंग लॉस है ना, अकाउंटिंग वालों का लॉस है, जरूरी नहीं कि टैक्स वालों का भी लॉस हो। नीचे जाके देख लेंगे टैक्स वालों का होता है लॉस, होता है गेन हो। आगे चलें, ट्रैवलिंग एक्सपेंस सारे कैश में पे किए हैं, वैसे कोई हर्ज नहीं है ट्रैवलिंग एक्सपेंस कैश में पे करना, ये 150,000 बन रहे हैं जितने भी हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, यूटिलिटीज और ये सारी चीजें, दोज कैन बी पेड इन कैश। अदर एक्सपेंसेस हैं, एडवांस में कोई इनकम टैक्स दे दिया, एडवांस में क्या पे कर दिया, इनकम टैक्स। तो आपको याद होगा ये तो आपने 21 के एल में पढ़ा था, ट्रैवलिंग यूटिलिटीज ये सारा कैन बी पेड इन कैश, तो ये तो अलाउड है, यानी माइनस करने की इजाजत है। अकाउंटिंग वालों ने माइनस कर लिया, टैक्स वाले भी कहेंगे आपको माइनस करने की इजाजत है। लेकिन ये जो एडवांस इनकम टैक्स है, आपको याद होगा ये सेक्शन 21 के ए में पढ़ा था, और सेक्शन 21 के ए में पढ़ा था कि आपको जो है वो क्या कहते हैं, टैक्सेस जो है दो तरह के हैं, एक वो टैक्सेस हैं जो बिजनेस प्रॉफिट्स पे किए जाएं, और एक इसके अलावा टैक्सेस हैं, जो टैक्सेस बिजनेस प्रॉफिट्स पे किए जाएं वो माइनस करने की इजाजत नहीं है। तो ये एक ऐसा टैक्स है जो बिजनेस प्रॉफिट्स पे किया, इसलिए इनकम टैक्स माइनस करने की इजाजत नहीं है, बाकी टैक्सेस माइनस करने की इजाजत है। तो ये तो नॉट अलाउड हो जाएगा। बाकी ये मोटा मोटा फेस देख के मुझे कुछ चीजें पता चल गई, बाकी दिलों के हाल तो अल्लाह ही जानते हैं। यानी कि अभी न्यूमेरिकल नीचे जाके देखेंगे, मोटा मोटा फेस से भी कई दफा पता चल जाता है आजकल बंदे के क्या हालात चल रहे हैं, बाकी अंदर की बात जरा नीचे जाके खोलते हैं। तो ये ना कहा करें फेस देख के सब कुछ बता दिया करें, तो न्यूमेरिकल का फेस देख के सब कुछ पता नहीं चलता, अदर इन्फॉर्मेशन भी उससे लेनी पड़ती है। ओके, डीप बात हो गई। यार ये ऊपर क्यों आ गया, ये क्या हो गया, कंट्रोल जेड भी फेल हो गया। ओके, तो मोहतरम अब आप मुझे बता दें, देख रहे हैं क्या हो रहा है, अदर इंफॉर्मेशन, गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये किनका गेन है, अकाउंटिंग वालों का गेन है। अच्छा आगे जाने से पहले ना, आगे तो चले ही जाना है, आगे जाने से पहले मुझे मोटी मोटी चीजें कुछ पता चल गई हैं। मैं डेप्रिसिएशन को जरूर उल्टाऊंगा, क्योंकि इसकी जगह मैंने टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। जगह बना दें एक दफा, जरा पॉज ले रहा हूँ, थोड़ा सा जगह बना दें। कम से कम एक बंदे की जगह बना दें हर रो में अगर गुंजाइश है तो। अच्छा जी, एक चीज मुझे कंफर्म होगी, इसमें डेप्रिसिएशन को जरूर उल्टाना है, क्योंकि इस डेप्रिसिएशन को उल्टा के उधर ना जाए, व्हाइट पर से नजर नहीं आएगा। इस डेप्रिसिएशन को मैंने उल्टाना है, इस डेप्रिसिएशन को उल्टा के अकाउंटिंग वाला डेप्रिसिएशन रिवर्स करनी है, तो टैक्स वाला डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है, ऐड कर अकाउंटिंग वाला डेप्रिसिएशन उल्टानी है, तो टैक्स वाला डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। अच्छा जी, इसी तरह एक और चीज भी मुझे पता चल गई जो मैंने उल्टानी है, मस्ट, जो चीजें उल्टानी है वो व्हाइट बोर्ड पे है, इधर उधर ना देखा करें। मैंने लीज एसेट की डेप्रिसिएशन भी उल्टानी है, लीज एसेट का इंटरेस्ट भी उल्टाना है, और इसको उल्टा के मैंने जो है वो माइनस करना है रेंटल। लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग अकाउंटिंग वालों का लॉस है, मैंने इसको भी उल्टाना है, इसको उल्टाऊंगा, इसको उल्टाने का तरीका लेस हुआ मैं तो ऐड कर दूंगा, ये अकाउंटिंग वालों का लॉस है, इसकी जगह टैक्स वालों का लॉस वर्किंग में निकालूंगा बिल्डिंग का। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को मैंने उल्टा रहा, क्योंकि ये अलाउड है, कैश में पे हुए हैं, कोई हर्ज नहीं है, यूटिलिटीज वगैरह कैश में पे हो सकती हैं। अच्छा, अदर एक्सपेंसेस की डिटेल मुझे देखने दें, फिर ही मैं कुछ कमेंट कर सकता हूँ।
आगे दिलों के हाल तो मुझे नहीं पता। एडवांस इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स जो है वो इनकम टैक्स है ना कि प्रॉपर्टी टैक्स है। अगर ये प्रॉपर्टी टैक्स होता या कोई और टैक्स होता तो माइनस करने की, ये फिलहाल इनकम टैक्स है, ये माइनस करने की इजाजत ये भी नॉट अलाउड है। इसे भी मुझे इन एनी केस उल्टाना पड़ेगा। तो कुछ चीजें आपको पता है फेस से देख के भी पता चल जाती हैं, चेहरे बोलते हैं, फेस से पता चल रहा है किन किन चीजों को उल्टाना है। और गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर भाई अकाउंटिंग रूल्स वाला गेन है, इसलिए इसको भी मैं उल्टाऊंगा। अब हो सकता है अदर इंफॉर्मेशन में जाके सैलरीज में मसला भी निकल आए, हो सकता है अदर इंफॉर्मेशन जब मैं जाके अदर एक्सपेंसिस में कोई मसला निकल आए, वो फिर इंशाल्लाह उनको भी एड्रेस करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल मोटा मोटा सवाल देख के मुझे पता चल गया कि अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन सबसे ऊपर गिवन है, इसको उल्टा के टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा। अकाउंटिंग वालों की जो रात लेट आए हैं लीज एसेट में, मैंने ये रूल बताया, लीज में अकाउंटिंग वाले डेप्रिशिएट करते हैं और अकाउंटिंग वाले इंटरेस्ट डालते हैं, टैक्स वाले कहते हैं इन दोनों की जगह इन दोनों को रिवर्स करो और इसकी जगह रेंटल माइनस कर लो। अकाउंटिंग लॉस ऑन बिल्डिंग में जरूर उल्टाऊंगा, टैक्स लॉस ऑन बिल्डिंग निकाल लूंगा। अकाउंटिंग वालों का इनकम टैक्स में जरूर उल्टाऊंगा क्योंकि ये माइनस करने की इजाजत नहीं है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। वर्किंग वन, इनकम फ्रॉम बिजनेस, लेकिन आप पूरा लिखिएगा। नेट प्रॉफिट बोलें 18416, ये रुपीज इन थाउजेंड में करने का आपने बोल्ड डिसीजन लिया, अनबोल्ड बोल्ड डिसीजन लिया। ओके वापस आ जाओ, साथ लेगा कहीं तेरी मेहरबानी रजिस्टर निकाल ले, बहुत बड़ा एहसान करेगा तू मेरे पे। और किताब के किसी सफे पे, खाली सफे पे सोल्यूशन ना नोट करें वरना आगे पीछे ही घूमते रहेंगे, कभी उस सफे पे जा रहे होंगे कभी इस सफे पे जा रहे होंगे। ओके सैलरी एक्सपेंस में 50,000 रुपए शामिल हैं। चलिए ठीक है, पहले फेस वाले फिगर्स को उल्टा देते हैं, कोई नहीं, पहले फेस वाले फिगर्स को उल्टा देते हैं। प्रॉफिट से चलें, प्रॉफिट कितना जी 18416। इस तक होते हुए, इस तक आते 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 अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन क्या हो चुकी है? गुड, इस तक आते आते अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन लेस हो चुकी है, इसे क्या कर दें? ऐड कर दें। कुछ चीजें हम ऐड कर लेंगे और कुछ चीजें लेस कर लेंगे, मैंने ज्यादा ऐड करने के लिए काफी चीजें होती हैं इसमें, लास्ट टाइम जब सॉल्व कराया था। अकाउंटिंग वाला डिसीजन बोले 230 और इसकी जगह वक्त आने पे क्या माइनस करेंगे? टैक्स वालों की, वो जो आएगी तो देख लेंगे। अच्छा अकाउंटिंग वाला डिसीजन ये किन एसेट्स की थी? ओन्ड एसेट्स की, जो आपके नाम है या जो आपने किराए पे लिए हुए हैं? नाम है। इसके बाद अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन उल्टाएं किन एसेट्स की? लेकिन खाली इनकी डेप्रिसिएशन नहीं उल्टानी होती है, ये लोग ये टैक्स अकाउंटिंग वाले कहते हैं कि ये किस्तें आप बैंक को पे कर रहे हो, किस्तों में इंटरेस्ट डाल के पे कर रहे हो, तो इसलिए साथ इसका इंटरेस्ट एक्सपेंस भी उल्टाना होता है लीज वालों का। लीज वालों की दो चीजें उल्टानी होती है जी, 60 और 40। ऐसे ही, वैसे पेपर में ये जरूरी नहीं है, ऐसे ही भाई, ऐसे ही भाई, ऐसे ही, ऐसे ही जरा मैं अपने समझने के लिए लिख रहा हूं। टैक्स वालों की डिप्रिसिएशन मैंने इस 230 के मुकाबले में माइनस कर लूंगा वक्त आने पे। अकाउंटिंग वालों की डिप्रिसिएशन माइनस हुई भी क्या कर दी थी, इसकी जगह टैक्स वालों की डिप्रिसिएशन लेस कर दूं। और टैक्स वालों का इनिशियल अलाउंस भी हो सकता है, पता नहीं मैं जगह छोड़ देता हूं, त्यातन हो सकता है टैक्स वालों का इनिशियल अलाउंस भी हो, मुझे नहीं पता, अभी मैंने सवाल नहीं पढ़ा। अकाउंटिंग वालों की डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट उल्टा के सेक्शन 28 कहता है रेंटल पेड माइनस करो, तो रेंटल पेड माइनस करूंगा जो एसेट मैंने किस पे लिया हुआ है, लीज पे लिया हुआ। ये पक्की ठक्की बातें हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अगर मैं ये पहले से पेपर में कर रहा हूं तो इसमें कोई हरज वाली बात नहीं है, क्लियर? तो एक समझाने की बात थी, क्या माइनस हो चुकी हुई थी अकाउंटिंग वालों की, इसकी जगह क्या माइनस कर दूं, क्या माइनस हो चुकी हुई थी अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट ऑन लीज एसेट, इसकी जगह क्या माइनस कर दूं, रेंट पेड। रेंट पेड किसने माइनस करने को कहा है? सेक्शन 28 ने, रेंट पेड माइनस करो। अच्छा एक बात, कई दफा ना लॉ में लिखी नहीं होती लेकिन वो इंप्लाइड होती है, मिसाल के तौर पर लॉ में लिखा हुआ रेंट पेड माइनस करो, इसका मतलब है कुछ और माइनस नहीं कर सकते। अगर अकाउंटिंग वाले कुछ और माइनस कर दें तो उल्टाना पड़ेगा। आगे आइए, लॉस ऑन बिल्डिंग, लॉस क्या हो चुका है यार, लेस, इसको सही करने के लिए ऐड कर दें। ये किनके वाला लॉस है? अकाउंटिंग वालों का लॉस, किसके ऑन बिल्डिंग कितने 10। लेकिन यार अभी मैं ये नहीं डिसाइड कर सकता कि टैक्स वालों की नजर में भी लॉस ही आएगा। इट इज नॉट नेसेसरी, गाय 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 गाय, इट इज नॉट नेसेसरी कि टैक्स वालों की नजर में भी लॉस ही आए,
हो सकता है टैक्स वालों की नजर में गेन आ जाए, वो तो वक्त बताएगा, आपको पता है कबर बताएगी क्या करके आए थे। अच्छा जी, इनकम टैक्स पे कर दिया आपने, क्या पे कर दिया? इनकम टैक्स पे कर दिया। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोजख भी है, ना माने तो मर के देख, मर के ट्राई कर ले। ओके, इनकम टैक्स कितना जी? 200, सेक्शन 21 का। तो इनकम टैक्स यहां तक पहुंचते हुए क्या हो चुके हैं? लेस। इनकम टैक्स को क्या कर दें? क्योंकि ये खर्चा टैक्स वाले माइनस नहीं करने देते। फिगर बोले तो 200, लेकिन इसकी जगह कुछ और माइनस नहीं करने देंगे वो। ये कोई इस तरह की चीज नहीं है कि इसका डबल इंपैक्ट सोचें आप। हाँ, ये तो इस तरह की चीज थी अकाउंटिंग डिसीजन की, इसका डबल इंपैक्ट सोचें, लेकिन ये कोई इस तरह की चीज नहीं है कि इसका डबल इंपैक्ट सोचें। बस ठीक है, इनकम टैक्स टैक्स वाले नहीं माइनस करने देंगे। ना 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 ना, इधर तो ना देखा कर। ओके, आगे चलें जी। गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, बताइए गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर प्रॉफिट तक पहुंचते हुए क्या हो चुका है? एड हो चुका है। तो अकाउंटिंग वाले तो गेन रिकॉर्ड कर लिया, टैक्स वाले इस गेन को गेन, ऐसे हाथ रखे ना क्लास लिया करो, तो टैक्स वाले इस गेन को गेन नहीं मानेंगे। तो क्या करते हैं? अकाउंटिंग वालों का गेन प्रॉफिट तक पहुंचते हुए प्रॉफिट में पड़ा है, जैसे कल बैड डेट रिकवरी इनकम प्रॉफिट में पड़ी थी। तो अकाउंटिंग वालों का गेन प्रॉफिट तक पहुंचते हुए प्रॉफिट में पड़ा है। पड़ी हुई चीज को बाहर कैसे निकालते हैं? लेस करके। ऊपर 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 देखें, मक्खन में दो बाल पड़े, मक्खन में दो बाल निकाल दें मक्खन में से। लेस क्या करना है जी? गलत, गेन ऑन सेल ऑफ नहीं, कुछ सही बात बताओ। अकाउंटिंग, इसी तरह खराब हुआ शायद। अकाउंटिंग गेन ऑन अकाउंटेंट ने अपना सर पकड़ा और सर पकड़ के मारा दीवार पे। मैं पागल हूं जो चीजें जी लेस कर रहा था? बिल्कुल पागल हो, गलत लेस की है। तो जो चीजें उसने लेस की हुई थी हमने, लेकिन सारी नहीं गाय, सारी नहीं, ये सारो इसको जरा, ये जो गर्दन में था, सारी नहीं, थोड़ी थोड़ी, सारी नहीं, जो चीज जो फेस में मसला लग रहा है, फेस में जो मसला लग रहा है वही सही करना है ना। ये अनेक भी उतार दें फेस से, तो फेस पे स्टिकर लगा हुआ किसी ने कुछ वही उतारना है ना, तो फेस पे सारी चीजें तो गलत नहीं आती। ओके, आ जाए जी। अब मोहतरम, यहां तक हम पहुंच गए, जो चीजें फेस से हमें नजर आ रही थी हमने उनको उल्टा दिया। अब अदर इन्फॉर्मेशन जो हमें हुक्म देगी उसके मुताबिक हम सर तस्लीम खम करते चले जाएंगे। पॉइंट वन, सैलरी में खर्चा पड़ा हुआ है 50,000 रुपए एंड 75,000 रुपए पर मंथ, पे टू सिकंदर। अच्छा, यहां पे रुके जरा, सिकंदर मेरा ये ख्याल है कि जिस खानदान में पैदा हुआ ना, उस खानदान में सारे शायद नौकरियां ही करते थे, ऐसी बात कर रहा हूं। और सिकंदर भी इस दुकान की से पहले ना, हालांकि सिकंदर का 18 मिलियन प्रॉफिट आ गया, लेवल हो गया इसका, लेकिन सिकंदर भी इस दुकान से पहले ना मेरे ख्याल से कहीं नौकरी करता था, और इसका भी नौकरी वाला माइंड है। खोल ली अपनी दुकान, अपनी दुकान से कहा मेरी तनख्वाह, अपनी दुकान से कहा मेरी कोई तनख्वाह बनती है, मैं सुबह से शाम तेरे जो है तेरी हाजिरी देता हूँ, मेरी कोई तनख्वाह। तो दुकान ने कहा चल तेरी तनख्वाह 50,000 रखती हूँ मैं, क्या याद करेगा तू? तो मोहतरम, ओनर की तनख्वाह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ओनर की तनख्वाह नहीं होती ये, ओनर की तनख्वाह तनख्वाह कोई नहीं है, ये बोंगी है जो बोंगे सिकंदर ने हमारे सामने मारी है, और हम बोंगी का जवाब अकलमंदी से देंगे, और हम उसको ये कहेंगे कि मोहतरम 21 के एच में लिखा हुआ है कि यानी पर्सनल एक्सपेंडिचर, ये तुम घर लेके चले गए हो पैसे, ये तो तुम घर लेके चले गए हो पैसे, तो जो पैसे ओनर घर लेके चला जाए वो 21 के एज की रोशनी में बिजनेस का खर्चा नहीं है, इसलिए इसको हम करेंगे नॉट अलाउड। 21 के एज की रोशनी में नॉट अलाउड, साथ लेना ना, ऐसी कसम खाई हुई नोट ना करने की। सैलरी एक्सपेंस इंक्लूड, और प्लीज दोनों हाथ बांध के कोई ना बैठा करे क्लास में, सैलरी एक्सपेंस इंक्लूड 50,000 एंड 75,000। 50,000 क्यों नॉट अलाउड हो गया? क्योंकि ये पैसे बिजनेस के लिए नहीं है, इस पैसों से बिजनेस को फायदा मेरे ख्याल से होगा भी नहीं, ये पैसे बस वो घर लेके चला गया। 75,000 अंदर ने दिए अपने ब्रो को, किसको दिए? ब्रो को, ब्रोथर रिस्पेक्टिवली। 50 अपने को दिए, 75 ब्रदर को दिए। हमने कहा ब्रदर को क्यों दिए? ओह, हिज ब्रदर लुक्स आफ्टर द एडमिन एंड फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ द फर्म, कहते हैं मेरा जो कारोबार है उसके एडमिन और फाइनेंशियल मैटर्स वो देखता है। मोहतरम, ब्रो ब्रो अपनी जगह होगा, मेरी नजर में तो ब्रो एम्प्लॉई है, इसलिए ब्रदर को तनख्वाह देने में असूली तौर पर हमें कोई एतराज नहीं है। क्यों ब्रदर एम्प्लॉई है? इसलिए ब्रदर एम्प्लॉई है, लुक्स आफ्टर द एडमिन एंड फाइनेंशियल मैटर्स, वो एडमिन एंड फाइनेंशियल मैटर्स को देखता है, इसलिए वो ब्रदर है। वो ब्रदर का रिश्ता छोड़े पड़े, वो हमारा एम्प्लॉई है। इट ऑल्सो को छोड़ें, वो अगली बात है। यहाँ प्रिंसिपली डिसाइड कर लें कि जी ब्रदर है, उसको हमने तनख्वाह दी है, तो अलाउड होगी नॉट अलाउड? अलाउड होगी। अलाउड क्यों होगी? इसलिए टैक्स वाले इसको माइनस करने देंगे,
तनख्वाह ब्रदर की, वो कहेंगे ठीक है ब्रदर आपका एम्प्लॉई है, हाँ कहीं ऐसा तो नहीं लिखा हुआ कि ये 75,000 तनख्वाह 25,000 पर मंथ से ज़्यादा है, तो फिर ऐसी सूरत में आप 75,000 में 25,000 वाला वो जो हमने पढ़ा था 130 का पॉइंट एम, कि सैलरी अगर 25,000 से ज़्यादा हो और क्रॉस चेक या डायरेक्ट ट्रांसफ़र के बगैर दी जाए तो फिर खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, इसलिए ये सैलरी खर्चे के तौर पे माइनस करने की, हाँ अगर लिखा होता 85,000 पर मंथ पेड इन कैश टू सिकंदर एंड हिज ब्रदर तो इसमें मसला था, अभी नहीं लिखा हुआ तो कैश में नहीं, चेक वगैरह में पे की होगी। ओके नेक्स्ट, ये तो अलाउड होगी। आगे जी, इट ऑल्सो इंक्लूड 6 मंथ सैलरी ऑफ टेम्परेरी वर्कर, इसमें 6 मंथ सैलरी पड़ी है एक आरजी वर्कर की जिसे 28,000 पर मंथ पे किया जा रहा है कैश में। एक आरजी वर्कर रखा है हमने 6 महीने के लिए, छः 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 महीने के लिए, जिसको हर महीने 28,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं और दे किस में रहे हैं कैश में, कैश में। तो मोहतरम ये 21 के एम की सरीह वॉयलेशन हो रही है और 25,000 से ऊपर की तनख्वाह आप कैश में दे नहीं सकते, ये जुर्म है और ये सेक्शन 21 के एम की रोशनी में नॉट अलाउड होगा। क्लियर? अच्छा जी, अब 50,000 क्यों नॉट अलाउड है? इस वजह से नॉट अलाउड है 50,000 कि ये ड्राइंग्स हैं। 28,000 क्यों नॉट अलाउड है? 6 मंथ के लिए, इसलिए कि ये बिजनेस वाला गलती कर रहा है कैश में पेमेंट करके, और ग्रीन सिग्नल मैं दे रहा हूँ 75,000 को। 75,000 का खर्चा टैक्स वालों की नज़र में ऐसा खर्चा है जिस पर टैक्स वालों को कोई एतराज नहीं है, और ये ब्रदर की तनख्वाह नहीं है, इस वजह से एम्प्लॉई है वो हमारा, तो एम्प्लॉई की तनख्वाह बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है, ये माइनस करने की बिजनेस में इजाज़त होनी चाहिए। अब 50,000 और 28,000 हो गया नॉट अलाउड और 75,000 हो गया अलाउड। अलाउड का मतलब है टैक्स वालों की नज़र में अलाउड। अब जरा नज़र मारते हैं कि हम अलाउड नॉट अलाउड खर्चों को डील कैसे करते हैं। अगर मैं पेज 192 पे आऊँ, पेज 192 पे, तो पेज 192 पे पेनल्टी जो थी वो नॉट अलाउड थी, नॉट अलाउड थी। क्या मतलब था नॉट अलाउड का? कि टैक्स वाले इसको माइनस नहीं करने दे रहे थे, लेकिन अकाउंटिंग वालों ने माइनस कर ली हुई थी, तो हमने 3 को ऐड कर दिया था। और जो खर्चे अलाउड होते हैं ना, अलाउड, जैसे ये 15 रुपए सैलरी है, अब इसमें कोई मसला नहीं है, तो जो खर्चे नॉर्मल खर्चे हैं बिजनेस के और अलाउड हैं, इस 15 को मैं कहीं नहीं लेके जाता। तो याद रखिएगा, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अगर कोई भी सैलरी वगैरह, कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह माइनस हो चुकी है और टैक्स वाले कह रहे हैं हाँ ठीक है अच्छी बात है माइनस होनी चाहिए थी, अब हम क्या करें? माइनस हुई हुई को क्या करें? बोलने बोलने क्या करें? कुछ भी करने की जरूरत नहीं। एक बार याद रखिएगा, जब आप प्रॉफिट से न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं तो अलाउड खर्चों को न्यूमेरिकल सॉल्व करते इग्नोर करते हैं, और नॉट अलाउड खर्चों को न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए ऐड करते हैं। ठीक है, तो उल्टाना किन खर्चों को होता है? जो माइनस नहीं करने की इजाजत थी और माइनस हो गए, जैसे फाइन है, माइनस नहीं करने की इजाजत तो माइनस हो गया। तो लिख लें ये रूल कहीं, इफ आई स्टार्ट फ्रॉम प्रॉफिट, जब मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करूं प्रॉफिट से, इफ आई स्टार्ट न्यूमेरिकल फ्रॉम प्रॉफिट, देन ई वाला, ए वाला, ई वाला, इफ आई स्टार्ट न्यूमेरिकल फ्रॉम प्रॉफिट, देन नंबर वन नॉट अलाउड को ऐड करूंगा और अलाउड को इग्नोर करूंगा। नंबर वन नॉट अलाउड को ऐड करूंगा, ये जिनकी एनक के पास बॉल पॉइंट पहुंची हुई है लिखें, नॉट अलाउड को ऐड करूंगा जी, आप नॉट अलाउड को ऐड करूंगा और अलाउड को इग्नोर करूंगा। क्लास में खामोशी चाहिए थी, ऐसे खामोश हो जाते हैं आप। अच्छा, तो प्रॉफिट तक पहुंचते हुए फाइन क्या हो चुका है? माइनस। इसको सही करने के लिए क्या करते हैं? क्योंकि ये नॉट अलाउड है। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए सैलरीज, रिपेयर, कॉस्ट ऑफ सेल क्या हो चुकी है? माइनस। इसमें कोई मसला नहीं, टैक्स वाले भी कह रहे हैं माइनस कर लो, कोई मसला नहीं, तो इसको छेड़ने की जरूरत, अलाउड खर्चों को छेड़ना उसी तरह है कि ना छेड़, ओके, तो अलाउड खर्चों को नहीं छेड़ना, सिर्फ छेड़ा छाड़ी किस करनी है। अब देखें यार, ये जो 3,000 की सैलरी है ना, ये जो 3,000 की सैलरी है, इसमें 50,000 ये भी है, इसमें 75,000 ये भी है, और इसमें 28,000 और भी को खर्चे हो सकते हैं एम्प्लॉयज के, लेकिन इन 3,000 में ये सारे मसले पड़े हैं। अब कोई नहीं, 3,000 में अगर 75,000, 3,000 नहीं है ना, समझिए 3 मिलियन है, अगर 3 मिलियन के अंदर सिकंदर की तनख्वाह पड़ी है तो वो नहीं पड़ी होनी चाहिए थी, ऐसा ही है? अगर 3 मिलियन के अंदर सिकंदर के ब्रदर एम्प्लॉय की तनख्वाह पड़ी है तो पड़ी होनी चाहिए थी, पड़ी रहने दें 3 मिलियन में। और प्रॉफिट तक पहुंचते पहुंचते याद रखिएगा 3 मिलियन माइनस हो चुका है,
ऐसा ही है ना, तो जो चीजें भी प्रॉफिट तक पहुंचते हैं, वैसे टाइम प्रॉफिट तक पहुंचते हुए तनख्वाहें क्या हो चुकी होती हैं, माइनस, तो माइनस हुई भी चीज को कैसे सही करते हैं। तो प्रॉफिट तक पहुंचते हुए 28,000 सैलरी का पार्ट बन के क्या हो चुका हुआ, माइनस हो चुका है, तो माइनस हुई भी चीज को क्या करेंगे। तो यहां तक पहुंचते हुए 50,000 किसकी तनख्वाह माइनस हुई है, 3,000 का पार्ट बन गए, 50,000 किसकी तनख्वाह माइनस हुई है, सिकंदर की, ये नहीं माइनस होनी चाहिए थी। यहां तक पहुंचते हुए 75,000 किसकी तनख्वाह माइनस हुई है, वो माइनस होनी चाहिए थी। यहां तक पहुंचते हुए टेम्परेरी वर्कर की तनख्वाह माइनस हुई है, वो माइनस होनी नहीं चाहिए थी। तो जो माइनस नहीं होनी चाहिए थी उनको क्या कर दें, वो तो माइनस हो चुकी है, तो डबल तो माइनस नहीं करेंगे, हमें डॉग ने काट, तो हम इसलिए इनको क्या कर दें, ऐड कर दें। मजा आ रहा है, चलो कल से फिर नाश्ता ना करके आया करो। अच्छा जी, क्या करें जी, सैलरी किसकी, सिकंदर की, 21 के एज की रोशनी में क्या हो गई, नॉट अलाउड, 50,000 × 12, लेकिन 50,000 × 12 तो 6 लाख आ गया, लेकिन हम रुपीज इन, तो इधर 50,000 शक पूरा लिख दिया, क्योंकि पेपर एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा, 50,000 तनख्वाह है जरा 12 महीने, तो लेटर पे जवाब आ रहा है 6 लाख। आखिरी 3 जीरो से आंखें उझल कर लें और इधर लिखते हैं 600, क्लियर, चलें जी आगे, बुरा तो नहीं बनाया, एक और आने दो। अच्छा नेक्स्ट, आगे चलें, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए ब्रदर की तनख्वाह क्या हो चुकी है, माइनस हो चुकी है, सैलरी ब्रो, आगे चलें, शो कर देना एक्सक्लूजन, जिस चीज को एक्सक्लूड करें उसे शो कर दें, आप लोग बंदे लेके आ गए थे एकदम। अच्छा जी नेक्स्ट, 28,000 रुपए प्रॉफिट तक पहुंचते हुए टेम्परेरी वर्कर की तनख्वाह माइनस हो चुकी है, ये सात फला निकल के बताएगा पेपर से कि यहाँ 6 महीने लिखा हुआ था, आप ये खुद ही देख लेंगे, खुद ही देख लेंगे, सात फला निकल के बताएगा, ओए मैंने तो 12 से जरूरत दी थी, इसीलिए मेरे को तो नंबर लगाए थे, तो आप रिलैक्स रहिएगा, आप कहेगा वो यार 100 नहीं आएंगे, अब 99 आएंगे, रिलैक्स रहिएगा, आप कहेगा पेपर में 100 नहीं आएंगे, 99 आएंगे, चलो खैर है, सर्टिफिकेट तो फिर भी आ जाएगा, तो छोटी मोटी गलती हो सकती है, लेकिन हमने 28,000 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 है, तो किधर देख रहे हैं, कलेक्टर पकड़ा हुआ है, गुड, सैलरी वर्कर इन कैश, कैश में पे करना जुर्म है, 28,000 × 6 महीने आजकल कितना आ रहा है, 168,000, ओके, कैन आई पुट इट ऑन फॉर यू, यस ओके, दैट्स नाइस GUI, ओके, मजा आ रहा, चलें आगे, टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस, ओन्ड एसेट पे इतना है, हो सकता है इसमें कोई प्लांट एंड मशीनरी वगैरह भी सिकंदर ने खरीदी हो, ठीक है, तो ऐसी सूरत के अंदर मोहतरम मुझे बताएं कि टैक्स डेप्रिसिएशन भी आ रही है और इनिशियल अलाउंस भी आ रहा है 50,000 और 60,000 का, तो बोलें जी प्रॉफिट तक पहुंचते हुए, बोलें प्रॉफिट तक पहुंचते हुए, ये तो टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन तो सिकंदर के बड़ों ने भी माइनस नहीं की होगी, क्योंकि टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन तो अकाउंटिंग वाले टीचर माइनस, अकाउंटिंग वाले टीचर इनिशियल अलाउंस भी नहीं निकलवाते, तो अब बता दें जनरल रूल क्या है जो न्यूमेरिकल्स के फॉर्मेट का हमने पढ़ा था, अकाउंटिंग वाला डेप्रिसिएशन क्या हो चुकी होती है, उसे सही करने के लिए इसके बिलमुकाबिल क्या माइनस करने की इजाजत है, किनकी डेप्रिसिएशन, टैक्स वालों का डेप्रिसिएशन, तो टैक्स वालों का डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, टैक्स वालों का डेप्रिसिएशन, और आपको पता है हमने ऑलरेडी हांडी चूल्हे पे चढ़ाई हुई थी, और चाचू समझ आ रही मेरी बात, ओ मोहतरम हमने ऑलरेडी हांडी चूल्हे पे चढ़ाई हुई थी, आप सिर्फ चम्मच हिला दें थोड़ा सा, बोलें 50+60, वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड ना, मेहमान आ रहे हैं, हमें मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि काउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड हुई है तो क्या माइनस होगी, वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड एंड दे अराइव्ड अनलकीली, लकीली मैंने तो पढ़ना था आज, ओके तो कोई नहीं, सलाम लेके मिलकर आप चले जाए, यही तरीका होता है, हम भी यही कहते थे, सलाम अलैकुम क्या हाल है, हम सीए कर रहे हैं, ठीक, पॉइंट नंबर, उनको भी समझ आ जाती थी, पॉइंट नंबर 3, कभी कभी वो ये भी पूछ लेते थे कितना अर्सा हो गया, पॉइंट 3, थोड़े अकलमंद होते थे, पॉइंट 3, तो आप कहते थे हाँ मेरे साथ वाला इंजीनियर बन गया, पॉइंट 3, लीज रेंटल्स पेड, बोले लेकिन आप लोग माशाल्लाह सही जा रहे हैं, लीज रेंटल्स पेड ड्यूरिंग द ईयर ऑन एसेट्स एक्वायर्ड ऑन अमाउंटेड टू, तो भाई सेक्शन 28 कहता है कि रेंटल माइनस करो, सेक्शन 28 क्या कहता है, सेक्शन 28 देख लें, सेक्शन 28 कहता है रेंटल माइनस करो, तो प्रॉफिट तक पहुंचते क्या माइनस हो चुकी है, अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन और अकाउंटिंग वालों का, बात पूरी किया कर डंके की चोट पे किया कर, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वाला डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट माइनस हो चुकी है, टैक्स वाले क्या कहेंगे, मोहतरम लीज रेंटल हमारी तरफ से, लीज रेंटल हमारी तरफ से,
लीज रेंटल हमारी तरफ से। अच्छा तो लीज रेंटल माइनस कर जी मोहन, मैं देखाता हूँ। इधर आओ यार अबू बकर, 75 है, छोड़ो इन्हें, हम अपनी रिकॉर्डिंग करवाते हैं। 75 तो रेंट पेड माइनस करने की इजाजत है। अकाउंटिंग वालों के डिडक्शन की जगह, अच्छा ये जो एसी है जिसमें लिखा हुआ है सबसे ठंडा एसी, ये एसी मैं अगर बात करूं कॉलेज वालों ने बाय किया हुआ है, तो फर्स्ट करें ये एसी कॉलेज वालों ने बाय किया हुआ है, तो इसकी अकाउंटिंग डिडक्शन हमने ऐड कर दी। जो अकाउंटिंग वाले टीचर ने लगाया होगा टैक्स वाला डिडक्शन माइनस कर दी। और फर्स्ट करें ये व्हाइट बोर्ड जो है वो लीज पे लिया हुआ है, तो इसकी अकाउंटिंग डिडक्शन और इंटरेस्ट और इसका रेंटल माइनस कर दिया। ओके हाँ जी यू भाई इधर आए। यार ये बिल्डिंग की कौन सी बीवी है, कौन सी वाली बीवी है बताएं जरा, टैक्स वाली बीवी है बिल्डिंग की या अकाउंटिंग वाली बीवी है? बीवी नंबर टैक्स वालों की बीवी है या अकाउंटिंग वालों की बीवी है? ये बिल्डिंग की टैक्स वालों की तरफ से आई हुई बीवी है। अ बिल्डिंग हैविंग अ टैक्स WDV, ये अकाउंटिंग WDV नहीं है। तो अगर टैक्स WDV है तो इसका गेन जो निकलेगा या लॉस निकलेगा वो टैक्स गेन लॉस निकलेगा या अकाउंटिंग गेन लॉस निकलेगा? और भाई बिल्डिंग के ऊपर अकाउंटिंग गेन लॉस अगर जो भी आया हुआ है वो तो ऑलरेडी हमें गिवन था, ये डाटा तो किस लिए दे रहा है हमें? थोड़ा लट इधर कर ले, वो नीचे आ रही है। तो बताएं टाइम 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 ये कौन सा वाला बताएं, लॉस है या गेन निकलेगा? टैक्स वालों का। ओके शर्म आ गया। अ बिल्डिंग हैविंग अ टैक्स WDV on disposal of is sold for its cost at the time of purchase was, इसकी cost जिस वक्त हमने buy किया था कितनी थी? 70,000। अच्छा जी मोहतरम, चार exceptions हमने पढ़ी थी, चार exceptions में एक पढ़ी थी 25 लाख से महंगी गाड़ी बेची, एक था ऐसा एसेट जो पार्टली बिजनेस पार्टली प्राइवेट पर्पज के लिए यूज हो रहा है, और एक पढ़ा था एसेट एक्सपोर्ट हो रहा है, और एक पढ़ा था बिल्डिंग की कंसिडरेशन कॉस्ट से बढ़ गई। तो अगर बिल्डिंग की कंसिडरेशन कॉस्ट से बढ़ जाए, 90 इज ग्रेटर देन 70, ओके तो 90 इज ग्रेटर देन 70। एक तो मैंने इस बात को हाईलाइट किया 90 इज ग्रेटर देन 70, और दूसरा मैंने हाईलाइट किया बिल्डिंग को। यहां से मुझे पता चला कि मेरी तीसरी वाली एक्सेप्शन लगेगी, और कोई तारीखी जुमला बोल दो, और अगर आप तारीखी जुमला ना बोल सके तो आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा जैकेट समेत, खड़े हो जाओ जल्दी 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 खड़े हो जाओ, मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, जल्दी कोई तारीखी जुमला बोलो। नहीं बीच में भी एक बात थी, ब्रिज था, बीवी को कॉस्ट से माइनस नहीं किया जाएगा, परेशान हो जाएगी बीवी, हद होगी तो खड़ा रहे। तू बताओ बीवी के फॉर्मूले को एक्सटेंड कर देंगे, छा गया तो खड़े रहो, याद आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा, बीवी के फॉर्मूले को क्या करेंगे? अगर कभी भी बिल्डिंग बिक जाए और कंसिडरेशन कॉस्ट से, तो बीवी के फॉर्मूले को। और फिर अगली बात भाई ने कर दी थी, वो ये की थी भाई ने कि कंसिडरेशन को लिख देंगे कॉस्ट की जगह, यानी कॉस्ट को काटो काटो काटो, कॉस्ट को काट के क्या लिख देंगे? टैक्स वालों का गेन या ऑन बिल्डिंग। क्लियर? कंसिडरेशन लेस किनके वाली बीवी? टैक्स वालों की बीवी। इन बीवी के फॉर्मूले को एक्सटेंड कर दो। दीवार से टेक नहीं लगानी खड़े होते हुए, इस तरह खड़े नहीं जी। कंसिडर ऐसे देखिए, ये अल्फाज बोले जाते हैं आपको हंसाने के लिए, आप समझे मुझे हंसाने के लिए, जुक्ति लगाने के लिए सारे क्लास में, ये हंसाने के लिए नहीं बोले जाते, इससे कॉन्सेप्ट बनते हैं बंदे के। बीवी के फॉर्मूले को पेपर निकल के पेपर से बाहर निकल के बड़े खुश खुश होंगे, यार बीवी के फॉर्मूले को एक्सटेंड कर दो यार, जो है वो फला चीज होगी थी हमारी बीवी में डिडक्शन नॉट अलाउड ऐड कर दो, यार मजा आया पेपर देने का यार। ओके आ जाओ भाई, अब बताइए क्या करना है। कंसिडरेशन पहले तो पकड़े कितनी है? 90। कंसिडरेशन कितनी है? 90। पहले ना मुझे वैसे ही कॉस्ट पकड़ा दें, कॉस्ट वैसे ही तो आते हैं, कॉस्ट कितनी है? 70। और WDV 40। अभी मुझे गलत चीजें लिखना है, यानी कि जो ओरिजिनल चीजें हैं जो मेरी अकल में आनी चाहिए, 70 आ गया। लेकिन यार रिकमेंडेशन गिवन नहीं है, WDV गिवन है। तो आपको पता है अगर कॉस्ट में से WDV माइनस करूं, मैंने आपको बताया था, बल्कि हमने एक सवाल किया था जिसमें इधर कॉस्ट पड़ी हुई थी और इधर WDV पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा था, बल्कि वो व्हाइट बोर्ड पे एग्जैक्ट इधर आ रहा था, कॉस्ट में से WDV माइनस करें तो क्या आ जाती है? अकमुलेटेड। तो मेरा ये मशवरा है कि पहले जो सवाल में डेटा दिया हो ना उसको यूज करें। सवाल आपके सामने किताबों में खुला हुआ, देखें कंसिडरेशन क्या है, कॉस्ट क्या है, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज मिसिंग। Accumulation is, so cost क्या है,
WDV के obviously it will give a cumulated. आप बता दें where in case of immovable property the consideration exceed the cost. तो the consideration shall be treated as cost. Formula को extend किए और उसको काट के 90 minus 30. और मैंने कहा था कि gain इसी के बराबर आया करेगा. Gain आ गया. अच्छा यार एक अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ. बिल्डिंग पे काउंटिंग वालों का तो लॉस आया था. इधर देखें बिल्डिंग पे काउंटिंग वालों का तो लॉस आया था. हमारा दिल चाह रहा था टैक्स वालों का लॉस माइनस कर देंगे, लेकिन टैक्स वालों का तो उल्टा काम हो गया, गेन आ गया. टैक्स वालों का गेन आया या लॉस आया इस चीज को फेंके. मुझे बताएं अगर कभी टैक्स वालों की बात मैं करूं तो उन फिगर्स को रिकॉर्ड करना होता है या रिवर्स करना होता है? रिकॉर्ड करना होता है. पहले तो ये प्रिंसिपल डिसाइड कर लें. टैक्स वालों का जब भी मैं कोई लफ्ज बोलूंगा, टैक्स वालों का गेन, टैक्स वालों का लॉस, टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम, तो जब भी मैं ये लफ्ज बोलूं टैक्स वालों का तो उसे आपने रिकॉर्ड करना होता है. और जब भी मैं लफ्ज बोलूं अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग वालों का बैड डेट, अकाउंटिंग वालों का लॉस, उसे क्या करना होता है? रिवर्स. रिवर्स एड लेस ना बोलो, रिवर्स. और टैक्स वालों का हमेशा रिकॉर्ड. बैठ जाओ. टैक्स वालों का गेन कैसे रिकॉर्ड करें? टैक्स वालों का गेन आ गया, गेन कैसे रिकॉर्ड करें? गेन्स ऐड करके रिकॉर्ड होते हैं. और ये सारी बातें मैंने आपको बारहा कहा हुआ है कि लिखी हुई हैं ये दो तीन बातें हैं, इनको अच्छे तरीके से याद कर लें. ये फॉर्मेट पूरा आपको कराया हुआ है पेज 136 के टॉप पे. क्या चीज़ें ऐड करनी है, क्या चीज़ें लेस करनी है, पेज 136 के टॉप पे. पेज 136 के टॉप पे जरा जाके देखें टैक्स वालों का गेन क्या करना है. जरा ढूंढें न्यूमेरिकल में टैक्स वालों का गेन क्या करना है, ऐड करना है. तो गेन्स टैक्स वालों के जो होते हैं उनको रिकॉर्ड करना होता है, रिवर्स. बोले बोले बोले. और अकाउंटिंग वालों की कोई भी चीज हो, रिवर्स. और टैक्स वालों की कोई भी चीज हो, जरा सोचें. गेन रिकॉर्ड करना चाह रहा हूं, साइन को इस ध्यान में लाएं. गेन रिकॉर्ड करना चाह रहा हूं, ऐड. किनके वाला गेन? टैक्स वालों का गेन ऑन बिल्डिंग वर्किंग टू. कितना आ गया? कितना? 30. डन धना धन. ओके चलें आगे. खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ. ये फर्नीचर की कौन सी वाली बीवी है? अकाउंटिंग वाली बीवी है, टैक्स वाली बीवी है? टैक्स वाली बीवी है. अच्छा चलो आगे चलो, बैठ जाओ. फर्नीचर की टैक्स वालों की बीवी कितनी आ रही है जी? 35. और फर्नीचर इज एक्सपोर्टेड. अंडरलाइन करने वाली क्या बात है? एक्सपोर्टेड फर्नीचर इज. ओ भाई सुल्तान राय नहीं, इधर देख. फर्नीचर इज एक्सपोर्टेड अगेंस्ट अ कंसिडरेशन ऑफ Its cost at the time of purchase was. किसी को याद आ रहा है कि ये चार exceptions में है export. ये चार export. मैं फिलहाल exception में इसको नहीं डाल रहा, फिलहाल normal तरीके से मैं gain loss निकालता हूँ और फिर जो change चेंज करनी हुई इंशाल्लाह इकट्ठे करेंगे. तो फिलहाल मुझे cost से कुछ नहीं करना क्योंकि formula है gain loss निकालने का और इसमें बीवी के formula को extend extend भी कोई नहीं करना होता. इसमें बस consideration को पकड़ें 70 minus कर दें WDV 35. तो फिर कुछ अजीब सा करना हुआ तो मुझे कटवा के कर दीजिएगा. तो आपका दिल धक धक कर रहा था और आंखें बोल रही थी कि आप कुछ बोलना चाह रहे हो, तो मैंने कहा इसलिए बोल दूं. टैक्स वालों का गेन लॉस ऑन फर्नीचर कंसिडरेशन लेस टैक्स वालों की WDV. जी वैसे बताएं मुझे कंसिडरेशन कितनी आ रही है? 70. और बीवी 35. हमने कॉस्ट का क्या करना? WDV खुद ही गिवन है. जी कंसिडरेशन 75. बीवी 75. बीवी असली तौर पे तो ये करना था, लेकिन मोहतरम इधर मैंने कहा हुआ है आपने कॉस्ट को काटने, इधर आपने काटना है कंसिडरेशन को. एक आवाज आएगी आपके अंदर तक जाती हुई महसूस होगी. नहीं आई? जान दे यार. अच्छा जी इसको का तो काट के क्या लिखना है? कॉस्ट. फिफ्टी माइनस 35 कितना आ रहा है आजकल? 15. अभी ये क्या आ गया रे? ये क्या है? जरा मुझे सोच के बताएं. गेन्स को गेन आया ना, गेन्स को टैक्स वालों का गेन है ना, तो टैक्स वालों की चीजें रिकॉर्ड करते हैं. गेन को रिकॉर्ड करना है, साइन सोचें. टैक्स वालों का गेन रिकॉर्ड करना है तो क्या करें? अच्छा इसमें ये ना सोचा करें कि फर्नीचर के ऊपर अकाउंटिंग वालों की नजर में क्या आया था.
ये ना सोचा करें, वो जो हो गया वो आपने सही कर लिया, बस टैक्स वालों का गेन आपने करना है। टैक्स वालों का गेन ऑन फर्नीचर, गेन्स को क्या कर रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड के साइन के साथ, एड के साथ। पॉइंट सिक्स, अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड, पेनल्टी इंपोज बाय कमिश्नर फॉर फाइलिंग ऑफ। जो कमिश्नर पेनल्टी लगाएगा, ये कमिश्नर अपने घर लेके जाएगा या एफबीआर के खजाने में जाएगी, और एफबीआर के खजाने से हुकूमत के खजाने में जाएगी, तो ये फाइन पेड टू गवर्नमेंट है। तो इसलिए ये 21 की जी की रोशनी में क्या हो गया जी, नॉट अलाउड। आगे कॉन्ट्रीब्यूशन किस पेंशन फंड में है, अनअक्रूड में तो नॉट अलाउड है। ये कौन सा पॉइंट है 21 का, डी है, ई है, आप लोगों ने बंदे रखे हुए हैं, बंदे रखे हुए हैं तो जाएं फिर। इक्कीस के की रोशनी में क्या है, नॉट अलाउड है, क्योंकि कभी कभी चले ही जाया करें, ऐसे दिल रखने के लिए उन्हें चला जाते हैं, नॉट अलाउड। ओके आगे चले, कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर्स, अभी तो क्या पागल है रे, अभी तुझे डीओजी ने काटा, तो एक्सपेंसेस में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डाल रहा, कहते हैं मैं पागल हो गया था। परचेज ऑन यकम मई 2024, लाइफ इज 5 इयर्स जी मोहतराम। अमोर्टाइजेशन तो करेंगे ना, अभी जो कुछ हो चुका है पहले उसे तो सही करा दें, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए, अगर लैंड माइनस हो चुकी हो, ऐसी बात कर रहा हूं, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अगर लैंड एक्सपेंस माइनस हो चुका हो तो आप तो यहां से उठ के आसमान तक चले जाएंगे, वो पागल हो गए तुम लोग। तो प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अगर कभी फर्नीचर खर्चों में डाल दें, कभी प्लांट खर्चों में डाल दें, कभी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खर्चों में डाल दें, तो व्हाट डज इट मीन, ये अकाउंटेंट को डीओजी ने काटा था और वो उसी के सराहते हैं इसके ऊपर। तो ये मोहतरम, ये तो ब्लंडर ब्लंडर ब्लंडरेस्ट है, इससे बड़ा ब्लंडर और क्या हो सकता है कि सॉफ्टवेयर को बिजनेस के खर्चों में डालो, ये तो ब्लंडर है। तो ये बींग अ बिजनेस का खर्चा याद रखिएगा, नॉट अलाउड है। हाँ, इस पे कुछ याद करा दीजिएगा मुझे, कुछ और माइनस कर लेंगे बिल मुकाबिल, इसको रिक्लासिफाई करके कुछ और माइनस कर लेंगे, लेकिन फिलहाल ये पूरा का पूरा 30,000 बिजनेस का खर्चा नहीं है, कम से कम ये खर्चा नहीं है बल्कि ये तो एसेट है। अच्छा, ये माउंट पेटू रिसर्च इंस्टीट्यूट इन चाइना फॉर पर्पज ऑफ डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट, चाइना के अंदर हमने कोई न्यू प्रोडक्ट डेवलप की है, उसके लिए हमने रिसर्च इंस्टीट्यूट चाइना में है, उसका खर्चा किया है कितना, 15,000। बोले बोले, अलाउड है नॉट अलाउड है, नॉट अलाउड है, क्योंकि सेक्शन 28 जरा जाके निकाले, 28 नहीं वो कौन सा है, 26 है, 27 है, 26 है, पेज नंबर 140, सेक्शन नंबर 26, उसमें अंडरलाइन करें पाकिस्तान, रिसर्च पाकिस्तान में करना जरूरी है मोहतरम, पाकिस्तान में रिसर्च करना जरूरी है, अगर रिसर्च चाइना में करेंगे तो हमारी बला से फिर हमारे बिजनेस का खर्चा नहीं है। ये भी क्या बन गया, नॉट अलाउड। प्रोविजन फॉर बैड डेट, यार ये मैंने आपको कल नहीं बताया था, ये प्रोविजन फॉर बैड डेट ना बिजनेस का खर्चा नहीं होता, क्योंकि आपको पता है शायद आप लोगों ने इंट्रो पढ़ी हो, अगर नहीं पढ़ी भी तो कोई मसला नहीं, प्रोविजन फॉर बैड डेट का मतलब लिख लें अंदाजा होता है, ठीक है, जिन्होंने इंट्रो नहीं पढ़ी उनसे बात कर रहा हूँ, प्रोविजन फॉर बैड डेट एक अंदाजा होता है, तो अंदाजा माइनस करने, या एक्चुअली वो बंदा पैसे लेके भाग गया हो और रीजनेबल ग्राउंड हो और ये सारी चीजें हो और अकाउंटिंग में भी राइट ऑफ हो गया हो, ये राइट ऑफ नहीं होता, ये तो अंदाजा होता है, तो ये अंदाजे माइनस करने की इजाजत, किसी भी किस्म का अंदाजा माइनस करने की इजाजत, ये अंदाजा है, हमारा ख्याल है कि इतने पैसे शायद लेके भाग जाए, ये अंदाजा है, अंदाजे माइनस करने की इजाजत नहीं है, बल्कि एक्चुअल राइट ऑफ माइनस करने की इजाजत है, और वो हमने पढ़ा था कल सेक्शन 29 में शायद, बैड डेट डैमेजेस होते हैं यार, फाइन, जुर्माना, फाइन पेड टू डिस्ट्रीब्यूटर फॉर डिलेड सप्लाईज, कोई सप्लाईज वगैरह डिलेड हो गई थी, उस पर डिस्प्यूट हो गया तो डिस्ट्रीब्यूटर को फाइन पे करना पड़ा हमें, तो बताएं जी ये फाइन हुकूमत के खजाने में गया होगा या डिस्ट्रीब्यूटर की पॉकेट में गया होगा, वहां से डिस्ट्रीब्यूटर की बीवी की पॉकेट में गया होगा, तो ये हुकूमत के खजाने में तो नहीं गया, तो इसलिए ये खर्चा बोले अलाउड है नॉट अलाउड, अलाउड, क्लियर। आगे चलें, सिकंदर यार घर के बिजली के बिल
तूने डाले हुए हैं बिजनेस के खर्चों में। बताएं ये घर के बिजली के बिल बिजनेस के खर्चों में आने चाहिए। सेक्शन 21 का एच ड्राइंग्स एनी एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सनल नेचर, ये घर का खर्चा है, माइनस करने की इजाजत नहीं है। ये भी क्या हो गया, नॉट अलाउड। इसमें यार एक फिगर मुझे याद करा दीजिएगा एंड पे, 30,000, क्योंकि इसका कुछ और भी करना है। बाकी सारे खर्चों को मैं जरा एक दफा रिवर्स करने लगा, बाकी 30,000 में इंशाल्लाह मैं बाद में बात करता हूँ। लेकिन अब अदर एक्सपेंसेस ऊपर पता नहीं कितने आ रहे हैं, अदर एक्सपेंसेस आ रहे हैं ये 600 के, 600 में ये नीचे वाली सारी चीजें पड़ी हुई हैं, और 600 में नीचे वाली सारी चीजें पड़ी होने की वजह से ये सारी चीजें प्रॉफिट तक पहुंचते माइनस हो चुकी हुई है। तो इनको क्या करना पड़ेगा, करवाएं जी ऐड। बोले 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 बोले, पेनल्टी टू गवर्नमेंट कितना, 45। आगे अनअप्रूव्ड कितना, 17। आगे कॉस्ट ऑफ, ये ना इसको मैं कल भी रिवाइज करवा दूंगा, एक बार दोबारा याद करा दीजिएगा। बहरहाल इस पे आप एग्री कर रहे हैं कि कंप्यूटर की कॉस्ट पूरी खर्चों में नहीं जानी चाहिए, जा चुकी है। तो मैं तो इसको वैसे एक अकाउंटिंग ब्लंडर भी कहूंगा, कि अकाउंटेंट को इतना बड़ा ब्लंडर नहीं मारना चाहिए था। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अगर लैंड बिल्डिंग या सॉफ्टवेयर को वो खर्चों में डाल दे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा जी। कंप्यूटर कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितना, 30। आगे रिसर्च चाइना जी, 15। आगे वो लिखवाना है आपने, हाँ प्रोविजन फॉर बैड डेट। नजर आ रहे हैं अबू बकर, अबू बकर नजर आ रहे हैं जी, प्रोविजन फॉर बैड डेट 25। आगे बोले इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ, नहीं यार वो एक और लिखवा देना बीच वाला, डैमेजेस टू डिस्ट्रीब्यूटर। यार इन लोगों को छोड़ा करें, आप लोग लिखवाया करें डैमेजेस टू डिस्ट्रीब्यूटर डैश, अलाउड है बस, ठीक है शो तो कर देना कैमरा कदरा। आगे चलें, क्योंकि जब ये लिखवाया तो वो भी लिखवा दें। आगे बोले इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ऑफ होम कितने, 12। ये प्रॉफिट तक पहुंचते हुए क्या हो चुके होंगे, माइनस, माइनस होने की इजाजत नहीं थी। इन्हें क्या कर दें, आप लेवल चेक कर रहे हैं सेक्शन 21 का, कैसे इसकी जान ले रहे हैं। ये तो समझ रहा था मैंने 18416 कमाया, लेकिन ऐड ही किए जा रहे हैं इसकी इनकम में चीजें। हम बिल्कुल, अगर वो फुल कॉस्ट माइनस कर देगा गलती से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, तो एक लफ्ज लिखा हुआ करेगा कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब होता है परचेज प्राइस, अंडरलाइन करके लिख लो, कॉस्ट का मतलब होता है परचेज प्राइस। इसका मतलब गलती से पूरी परचेज प्राइस इस सॉफ्टवेयर की डाल दी है खर्चों में, हालांकि वैसे अकाउंटिंग वालों को पूरी कॉस्ट सॉफ्टवेयर के खर्चों में नहीं डालनी चाहिए थी। नहीं, वो अगर होगा तो लॉमेकर खुद बताएगा, और वो रेयर ही है, उस पर जाना लूलना बनाओ, रेयर को रेयर रखो। ओके ठीक है भाई, चले आगे। रेवेन्यू, अच्छा हाँ एक चीज साथ कर देना यार, 30,000। अब बोले भाई 30,000 का क्या करना, ओ बोले भाई 30,000 का क्या करना, 30,000। अच्छा वैसे एक बात आपसे पूछ रहा हूँ यार, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अदर एक्सपेंसेस का पार्ट बन के ये 30,000 नहीं है, ये 600,000 है। अच्छा प्रॉफिट तक पहुंचते हुए, बूथों पर रखना है, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अदर एक्सपेंसेस का पार्ट बन के पूरी सॉफ्टवेयर की कॉस्ट 30,000 माइनस हो चुकी है। क्या पूरी 30,000 माइनस होनी चाहिए थी या उसकी टैक्स वालों की अमोर्टाइजेशन, मैं नजर नहीं आ रहा इधर देखो, क्या पूरी 30,000 माइनस होनी चाहिए थी या टैक्स वालों की अमोर्टाइजेशन, क्या प्रॉफिट तक पहुंचते हुए सॉफ्टवेयर की पूरी कॉस्ट माइनस होनी चाहिए थी 30,000 या उसकी अमोर्टाइजेशन। अगर प्रॉफिट तक पहुंचते हुए पूरी कॉस्ट माइनस हो चुकी है तो उस पूरी कॉस्ट को पूरा ऐड कर दो दोबारा, इसकी जगह क्या माइनस कर लो, ये जो मैं चीख चीख के पुकार रहा था किस समझ आ रहा था तुझे, तो क्या ऐड करना है, बोले ऐड क्या करना है यार, यार आप रिकॉर्डिंग करो इनको छोड़। अच्छा प्रॉफिट तक पहुंचते हुए कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर क्या हो चुकी थी, अभी भी ऐड बोल रहे हैं यार, ये देख रहे हैं, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए सॉफ्टवेयर की कॉस्ट क्या हो चुकी थी, इसको सही करने के लिए इसकी जगह क्या माइनस कर दें, क्या किसकी अमोर्टाइजेशन, टैक्स वालों की। और असली बात ना मैंने आपको यहां से समझाई है, दोबारा देखें, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अदर एक्सपेंसेस में सॉफ्टवेयर की कॉस्ट पड़ी होनी चाहिए थी,
प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अदर एक्सपेंसेस में सॉफ्टवेयर की कॉस्ट पड़ी होनी चाहिए थी, नहीं, इसको क्या कर दें, ऐड कर दें, इसकी जगह इसकी अमोर्टाइजेशन माइनस करते हैं, इसकी जगह इसकी अमोर्टाइजेशन माइनस करते हैं, टैक्स अमोर्टाइजेशन, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट, लाइफ, डेट ऑफ परचेज, यकम मई 2024, तो यकम मई 2024 यह 366 कर लो ना, 2024 तो लीप का साल होगा मेरे ख्याल से, वैसे देख लो मोबाइल में जाके, 2024 लीप का साल नहीं होगा, 12 लीप का साल था, 16 लीप का साल था, 2020 लीप का साल था, और अब 2024 लीप का साल होने, लेकिन मेरा नहीं ख्याल 2024 का नमेरिकल आपको आएगा, मैंने आपको बताया था हम तो टैक्स 2022 में बैठे हैं, तो आपको 22 का नमेरिकल आएगा, इसलिए पेपर में ये टेंशन की जरूरत नहीं है, लेकिन मेंटली बहरहाल मैंने आपको प्रिपेयर कर दिया। अब आप कहेंगे हमें कैसे इल्हाम होगा कि कौन सा साल लीप का होता है, मैं बता रहा हूँ 2012 का साल लीप का है, 2016 का साल लीप का था, 2020 का साल लीप का है, 2024 का साल, और अगर फिर भी नहीं पता चल रहा कोई ऐसा बंदा ढूंढ ले जिसकी 29 फरवरी को बर्थडे हो, उससे पूछ लिया करें। क्लियर, डन। अच्छा हाँ, ये एक अच्छी एडजस्टमेंट थी, ये कल मुझे याद कराइएगा, मैं रिवाइज करवाऊंगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाली, मैं कोई इस पे अमाउंट नहीं निकाली, वन आ रहा है, असल में आ कितना रहा है वैसे, 1000 एग्जैक्ट, 1002 आ रहा है, पूरा 1000 आ रहा है, तो पूरे 1000 में से आखिरी 3 सिफर उठाए तो 1। क्लियर 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 क्लियर, ये क्लियर, ओके। अच्छा मोहतरम एक चीज बताइएगा कि कल आपको मैंने कहा था कि यार बेडेट रिकवरी में ना सवाल में कुछ इजी मार्क्स गिवन हुआ करेंगे, पहले आपने वो लिया करने हैं, बेडेट रिकवरी में सवाल में कुछ इजी मार्क्स गिवन हुआ करेंगे, पहले आपने वो लिया करने हैं, वो इजी मार्क्स ना मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, वो इजी मार्क्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, वो क्या है, अकाउंटिंग वालों की रिकवरी इनकम हमेशा लेस कर देनी है, जैसे अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस हम लेस कर देते हैं, अकाउंटिंग वालों की रिकवरी इनकम हमेशा, और टैक्स वालों की कभी रिकवरी आ सकती है कभी लॉस आ सकता है, तो टैक्स वालों के लिए वर्किंग परफॉर्म करनी है, तो पहले इजी मार्क्स गेन करते हैं, अकाउंटिंग वालों की बेडेट रिकवरी उल्टा देते हैं। हाँ जी, आखिरी एडजस्टमेंट हमारी, सेकंड लास्ट, वी डबल आई, रेवेन्यू इंक्लूड 75,000, नॉट अलाउड, क्या मतलब, बेडेट रिकवरी में तो अभी रिकवरी है ना, तो खर्चा होता तो अलाउड नॉट अलाउड की बात होनी थी, रेवेन्यू इंक्लूड 70 रिकवर्ड फ्रॉम मुइन इन रिस्पेक्ट ऑफ बेडेट ऑफ 2022 में बेडेट हमने रिकॉर्ड किया था, अब वो मुइन देके चला गया, तो अच्छा रेवेन्यू में पड़ा हुआ है, यार ये एक अलग बहस है, वैसे अकाउंटेंट को रेवेन्यू में नहीं डालना चाहिए था, असल में ये अदर इनकम में चीजें इस तरह की आती हैं, लेकिन कोई नहीं, बेडेट रिकवरी रेवेन्यू में पड़ी भी है, रेवेन्यू में पड़ने की वजह से यहां तक पहुंचे हो तो ऐड ही हो चुकी है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता रेवेन्यू में पड़ी है। क्लियर, तो रेवेन्यू में पड़ी है तो खैर कोई मसला नहीं, रेवेन्यू इसे परेशान ना हो, रेवेन्यू में पड़ी है तो बस ये बताएं मुझे, रेवेन्यूज वगैरह प्रॉफिट तक पहुंचते हुए क्या हो चुके होते हैं, ऐड, तो बता दें ये प्रॉफिट तक पहुंचते हुए क्या हो चुकी है, पहले इसको उठा दें, बाकी सवाल बाद में पढ़ते हैं, ये किनके वाली रिकवरी है, रेवेन्यू इंक्लूड मींस अकाउंटिंग वालों ने इतना इंक्लूड किया हुआ है, ये अकाउंटिंग वालों की रिकवरी है, रेवेन्यू इंक्लूड का क्या मतलब है, अकाउंटिंग वालों ने इतना इंक्लूड किया हुआ है, तो इंक्लूड हुए हुए को क्या कर दें, उल्टा दें, मुझे कल काम किया था, लेस क्या कर दें, अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी कितनी, 75। अब मुझे नहीं पता टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी आती है या बैड डेट इनकम आती है, वो मुझे नहीं पता, तो उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ, वर्किंग नंबर कौन सी चल रही है, 4, शायद टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी आ जाए, कभी कभी इधर भी खुदा ना खास्ता टैक्स वालों का बैड डेट लॉस आ सकता है, फॉर्मूला बताएं यार, बता दें ना वरना मैंने चले जाने, अमाउंट रिकवर्ड लेस, ओ बोल दें यार, एक्चुअल बैड डेट लेस प्रीवियसली अलाउड एज डिडक्शन। अच्छा जी, अमाउंट रिकवर्ड कितनी है, 75, एक्चुअल बैड डेट कितना था, 80, हाउएवर टैक्स अथॉरिटीज ओनली अलाउड 45, प्रीवियसली अलाउड, समझ आ गया, हाथ खड़े कर दें, क्लियर, बैडेट रिकवरी कितनी है जी, 70, एक्चुअल बैडेट 80 और प्रीवियसली अलाउड एज डिडक्शन, लेकिन एक बात है, मार्क्स गेन करेंगे ना, पहले अकाउंटिंग वालों की रिकवरी में उल्टा आया हूं, वो जो कल आपको हाईलाइट करके दिया था, अकाउंटिंग वालों की रिकवरी पहले आपने उल्टा दिया करनी है, अब टैक्स वालों की पता नहीं रिकवरी आए या लॉस आ जाए, वो मुझे नहीं पता, वो देख लेते हैं।
80 माइनस 45 30 माइनस कितना 40। अब जरा मेरे से सुनिएगा, वेयर बैड डेट रिकवरी इज ग्रेटर देन 35 द एक्सेस शैल बी चार्जेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम बिजनेस। क्लियर? या खुल खुला के अगर बात करूं मैं, वेयर बैड डेट रिकवरी इज ग्रेटर देन द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल बैड डेट एंड अमाउंट प्रीवियसली अलाउड एज द एक्सेस शैल बी एडेड इन इनकम फ्रॉम। अब इसको इनकम फ्रॉम बिजनेस में क्या कर दें, अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी उल्टा दी है, अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी उल्टा दी है इसके बिल मुकाबले टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी ऐड कर दें। और वैसे भी मैंने कल आपको बताया था कि इधर पॉजिटिव आया करेगा साइन, तो उसे क्या किया करेंगे, बोले बोले ऐड किया करेंगे। तो पहला काम कल क्या बताया था, पहला काम कि सबसे पहले अकाउंटिंग वालों की रिकवरी उल्टानी है, फिर वर्किंग करनी है। वर्किंग में हो सकता है पॉजिटिव आ जाए जवाब, हो सकता है नेगेटिव आ जाए। हमारी वर्किंग में क्या जवाब आया, समझ आ रही है बात है? हमारी वर्किंग में क्या जवाब आया, पॉजिटिव। तो बता दें ये चार्जेबल है या माइनस करें, किनकी वाली रिकवरी, टैक्स वालों की, कितनी, वर्किंग नंबर 4 कितनी 40। क्लियर? उधर ही रखो, चलो ले आओ। Why are you taking a pick? Let me do the total first. Oh man, man, don't take Punjabi Studio Cardology. Okay, वापस आ जाएं। We triple I, I, I. अच्छा इसका टैक्स कल निकालेंगे, इसका टैक्स कल निकालेंगे, और टैक्स निकाल के एक और बात भी आपसे करनी है, इसलिए इसका टैक्स कल निकालेंगे। अभी इनकम निकाल के मैं क्लोज कर रहा हूँ क्लास। यार क्रेडिटर में पड़ा है 6000 रेंट पेबल, जो कि खर्चे के तौर पर माइनस करने दिया गया था 2020 में रेंट पेएबल खर्चे के तौर पे माइनस करने दिया गया था, 2020 में रेंट पेएबल खर्चे के तौर पे माइनस करने दिया गया था। ये बात जरा मुझे आपने कल दोबारा याद करवानी है, इसको रिवाइज भी करेंगे, लेकिन जो मुझे याद आ रहा और तुम्हें भी याद आ रहा और हम सबको याद आ रहा कि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हमने कॉन्सेप्ट ये पढ़ा था कि अगर कोई चीज किसी एक साल ले जाए और वो अनपेड रहे, और वो ऐसे लोग वीडियोस भी बना के इसकी भेज रहे हैं जैसे तो याद कर रहे हैं, और कोई चीज खर्चे में चली जाए और वो क्या रहे, अनपेड रहे, तो पेबल पे ना करने का जुर्म क्या होगा, पेबल पे ना करने का जुर्म क्या होगा, इनकम में ऐड कर देंगे 3 साल बाद। ये बात रहा हाथ पकड़ के पाए, सेक्शन 34 का 5, ठीक है? अब देखें जरा ये किस साल खर्चे में डला है, 20 में, 3 साल वेट करें, 21, 22, और किस साल इनकम में डालें, जुर्म क्या है, अनपेड। मुझे कैसे पता चला अनपेड, क्रेडिटर इंक्लूड, अभी तक पेबल है, अनपेड है जुर्म, सजा इसको इनकम में डाल दें, ये जुर्म है और ये इसकी सजा है। वी ट्रिपल आए, जुर्म क्या है, उसने पे नहीं किया, सजा क्या मिलेगी, किस साल मिलेगी, 2024 में। इस पे इंशाल्लाह कल दोबारा भी बात करेंगे, रिवीजन जरा हो जाएगी। अब सजा के तौर पे खर्चे में किस साल गया था, 2020 में, क्योंकि खर्चा पेबल रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन आप पे नहीं हो सका तो इसे किस में डाल दें, इनकम में, कितना 6000। इस पे मैं कोई सवाल नहीं ले रहा, इंशाल्लाह कल इसको रिवाइज कर लेंगे, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को भी रिवाइज करेंगे, और लीज को भी रिवाइज करेंगे। लेकिन ये तीनों बातें कुछ समझ आ गई थोड़ी थोड़ी, ठीक है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो आसान था वैसे, और लीज भी रटा प्रोग्राम था जी। इनकम ऐड करना है क्या, अनपेड रेंट कितना 6000, टोटल कल करवा दीजिएगा, कोई मसला नहीं, छोड़ो बस, इनकम फ्रॉम बिजनेस शुक्र है हमारी निकली, तस्वीर आप ले सकते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, ओवर करो यार, रिकॉर्डिंग खत्म करो, एक सेकेंड। होमवर्क में सवाल, बैड डेट रिकवरी का एक छोटा सा सवाल ट्राई कर लेंगे होमवर्क में, कुछ ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, एक बैड डेट रिकवरी का छोटा सा सवाल ट्राई कर लीजिएगा होमवर्क में, पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 39 का बी। चलें जी क्लास खत्म।